जो सबसेट जो है वो काउंटेबल हो और डेंस हो उसी स्पेस में, तो फिर हम कहेंगे कि स्पेस जो है सेपरेबल है। हमें सिर्फ किसी एक ऐसे सबसेट की जरूरत है, ये नहीं कि हम सारे सबसेट्स को चेक करेंगे। अगर हमें कम से कम एक ऐसा सबसेट मिल जाता है जो काउंटेबल भी हो और उस स्पेस में डेंस हो, डेंस होने का क्या मतलब है कि द सेट अलोंग विद इट्स जो उसके लिमिट पॉइंट्स और क्लियर जो है वो उसी स्पेस के इक्वल हो, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्पेस है ये सेपरेबल स्पेस है। इसकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। अच्छा जी, हमारे पास ये पहले एग्जाम्पल है रियल लाइन की। रियल लाइन आर की हम बात कर रहे हैं, तो रियल लाइन में हम जब बात करते हैं हमारे पास स्पेस है आर, ठीक है, और विद मेट्रिक डी। अब ये डिस्टेंस हम किस तरह से डिफाइन करते थे रियल लाइन पे कि दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता था वो इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, और उनका मोड, ठीक है, ये हमारे पास मेट्रिक फंक्शन था जो हमने डिफाइन किया हुआ है। अब हमें पता है कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं और उनमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अगर हम एक उसका सबसेट ले लें रैशनल नंबर्स का, ठीक है, क्यू सबसेट ऑफ आर, और लास्ट सेक्शन में हम ये देख चुके हैं कि क्यू जो है ये काउंटेबल भी है और ये डेंस भी है इन आर, ठीक है, काउंटेबल भी है डेंस भी है, यानी दोनों कंडीशन जो है सेपरेबल स्पेस की इसने फुलफिल कर दी है। तो इसका मतलब है कि आर जो है ये सेपरेबल है, सबसेट हमने फाइंड किया, सबसेट काउंटेबल भी है और डेंस भी है, तो फिर ये जो स्पेस है हमारे पास ये सेपरेबल है, ठीक है, ओके। अब अगर हम ये तो हमने बात की ना जनरल लाइन आर की, रियल लाइन आर की, अब हम अगर जनरल नोटेशन की तरफ चले आर एन की तरफ, तो यहाँ पे हम मेट्रिक किस तरह से डिफाइन करते हैं, आर एन इक्वल टू इसकी जो मेट्रिक हमने डिफाइन की हुई है वो किस तरह से है, डी एक्स वाई इक्वल टू वाई वन माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस एक्स टू का होल स्केयर एंड प्लस ऑन करते करते वाई एन माइनस एक्स एन होल स्केयर। यहाँ पे जो x बार और y बार ही ऐसे भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नोटेशन जो अंडरस्कोर की हुई है इसका ये मतलब है कि दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, किस तरह की फॉर्म में है कि x अंडरस्कोर जो है किसके इक्वल है, x1 x2 so on xn, इसी तरह से y अंडरस्कोर ये भी एक वेक्टर है ऑफ द फॉर्म y1 y2 एंड सो ऑन yn। अब अगर हमने बात की, जब हमने रियल लाइन की बात की तभी हमने एक मेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया, उसमें हमने सबसेट ले लिया रैशनल नंबर्स का। जब हम ले रहे हैं आर एन ले रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास क्यू एन उसका एक सबसेट मौजूद है ना, ठीक है, रैशनल नंबर्स का क्यू एन एन ट्रिपल्स है इसमें। अब सी वन सी टू किस तरह से है, ये देखिए सी वन सी टू सी एन और ये ऑल द सी आई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स है, अब हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है ये काउंटेबल भी है और डेंस भी है। अब जब हमने सिर्फ एक सबसेट ऐसा फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया है जो काउंटेबल भी है और डेंस भी है इन आर एन, सारी बात है ना, जब हमारे पास क्यू जो है ये काउंटेबल भी है डेंस भी है तो क्यू एन भी काउंटेबल और डेंस होगा ना इन आर एन, देन क्यू इज काउंटेबल भी है और क्यू एन जो है ये भी काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब है कि जो आर एन है ये भी हमारे पास सेपरेबल हो गई, क्योंकि इसमें भी हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया जो कि काउंटेबल भी है और डेंस भी है, तो इसका मतलब है कि आर एन हमारे पास एक सेपरेबल स्पेस है। जब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स प्लेन सी की, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, ए और बी जो है ये रियल नंबर्स हैं और आयोटा की क्या चीज है, आयोटा इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट, जिसे हम आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स है, अब हम ये इससे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए और बी, ये एक्चुअल में हमारे पास ऑर्डर पेयर ही है ना, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ऑफ द ऑर्डर टू, ठीक है, यही टू ऑर्डर है ना, देखिए ऑर्डर है हमारे पास, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम जो सबसेट है वो कंसीडर अपना कर सकते हैं क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू एन हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमारे पास क्यू एन जो है वो भी सेपरेबल है, और यहाँ पे तो जस्ट क्यू स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये भी हमारे पास जो है डेंस है और काउंटेबल है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सी है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये भी सेपरेबल है। ओके, हमारे पास थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस किस तरह की मैट्रिक्स स्पेस है कि इसमें सेट जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लास्ट टू एग्जांपल्स में हमने क्या देखा, हमारे पास सेट एक रियल लाइंस का था और एक कॉम्प्लेक्स प्लेन का था, लेकिन यहाँ भी हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में सेट हमारे पास कोई भी हो सकता है, सेट पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कंडीशन किस पे है, इसकी मैट्रिक पे। मैट्रिक किस तरह से होगी कि अगर दो पॉइंट्स हमारे पास जिनका हम डिस्टेंस फाइंड करें वो इक्वल होंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, और अगर वो दोनों पॉइंट्स डिफरेंट होंगे तो हमारे पास वन आएगा, ठीक है। और अब इस केस में हमारे पास जो है डेंस सेट इज द सेम सेट एक्स एक्स सेट, क्योंकि हमारे पास सेट जो है वो ही है ना, मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो नंबर्स आ रहे हैं, या जीरो आएगा या वन आएगा,
इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो जब हम इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो वो जो सेट होगा वो इटसेल्फ ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास जो डेंस सेट है वो सेम सेट होगा। अब यहाँ पे इसका क्योंकि कोई भी लिमिटिंग पॉइंट इसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो सेट इटसेल्फ आ रहा है। अब काउंटेबिलिटी रह गई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सेट एक्स पे। अगर वो सेट जो हम ले रहे हैं वो काउंटेबल होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स स्पेस या डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं काउंटेबल है। काउंटेबल होगी तो फिर ये हमारे पास सेपरेबल होगी, ठीक है। अगर काउंटेबल नहीं है हमारे पास सेट जो हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स स्पेस है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है ये हमारे पास सेपरेबल नहीं होगी। ये डिपेंड कर रहा है उस सेट पे जो कि हम डिफाइन करेंगे इस मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है। स्पेस एलपी हम ये स्पेस देख चुके हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हमने अल्जेब्रा जिसमें हमने हिल्बर्ट सीक्वेंस का नाम दिया था कि हम देख चुके हैं। अब इस स्पेस में हमारे पास जो सेट है वो क्या है, वो हमारे पास सेट कुछ भी हो सकता है। सेट ऑफ सीक्वेंसेस हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और किस तरह से है कि विद द प्रॉपर्टी ये जो हमारे पास पी है ये लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये प्रूव करना है कि ये जो स्पेस है हमारे पास ये सेपरेबल है। सेपरेबल है तो इसका मतलब है कि हमें कैसा इसका सबसेट फाइंड करना है जो कि काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो इस सब स्पेस एलपी में, ठीक है। ओके, एलपी क्या है? एलपी इज अ स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस सच दैट, किस तरह से होंगे कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है ये एक्साइट आई, ठीक है, इज मोड पी इज लेस देन इन्फिनिटी और ये जो आई है ये कहाँ से है, वन टू इन्फिनिटी है, ठीक है। इसका समीशन है ये कन्वर्ज करेगा, इसकी एक ही कंडीशन है इस पास स्पेस की, ठीक है। और इसमें हमने जो मैट्रिक डिफाइन किया था वो किस तरह से किया था कि एक्साइ आई इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई सीक्वेंस देन एक्साइ आई माइनस ईटा आई मोड पी होल पावर वन ओवर पी, ठीक है। ये हमने इसका मैट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंसेस हम इस तरह से फाइंड करते थे। ओके, अब हमारे पास ये जो एलपी है इसके मैट्रिक भी आ गए और इसकी हमें कंडीशन भी पता चलती है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक ऐसा सबसेट फाइंड करना है जो कि काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो, ठीक है। अब हमने प्रूव कर लिया, सपोज कर लिया कि जो एम है ये एक सबसेट है, सबसेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ द फॉर्म, किस तरह से है कि वाई इक्वल इसका एलिमेंट जो है किस तरह से वाई इक्वल टू ईटा वन ईटा टू एंड सो ऑन ईटा एन एंड नेक्स्ट जीरो जीरो जीरो, इट मीन्स दैट ईटा आई तक यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस चलता रहेगा लेकिन नेक्स्ट जो है ईटा एन के बाद हमारे पास एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जीरो 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 इन्फिनिटी टाइम जीरो या है और यहाँ पे एन जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये जो ईटा आई है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जब हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो हम दो एग्जांपल्स देख चुके हैं और इससे पहले भी हमने तीन एग्जांपल्स देख चुके हैं और उससे पहले भी हमने एग्जांपल देखी थी कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर हमारे पास एक काउंटेबल सेट है, ठीक है। और जब हमारे पास ये ईटा आई हमारे पास काउंटेबल है नेक्स्ट हमारे पास जीरो जीरो है ना, तो इट मीन्स दैट ये जो सेट हमने डिफाइन किया है ये काउंटेबल है, यानी कि एम जो है ये हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है। ओके, अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई सबसेट की कि ये काउंटेबल है लेकिन एक और कंडीशन भी इसे सेटिस्फाई करनी होगी, क्या कि ये डेंस हो। डेंस होने का क्या मतलब है, इसके इसका कोलाइडर जो है वो इसी स्पेस एलपी के इक्वल आए, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है। ओके जी, इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले लिया एक्स ऑफ द फॉर्म एक्साइट जे, ठीक है, बिलोंग्स टू एलपी, हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस है। अब हमने ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि हमें एक ऐसा पॉइंट एम में से मतलब सबसेट में से एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि जब हम एक्स और वाई का डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्या चीज है, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअली में हम ये देख प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो दोनों पॉइंट्स है ना एक्स और वाई की बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है, इस तरह से कि एक दूसरे का लिमिटिंग पॉइंट है ये, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम हमारा जो है हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो सेट हमने सबसेट डिफाइन किया था एम ये डेंस है। अच्छा, अभी जो हमने डिफाइन किया था एक्स सीक्वेंस लिया है वो किस तरह का है कि एक्साई जे, अच्छा अभी जो हमने डिफाइन किया था एक्स सीक्वेंस लिया है वो किस तरह का है कि एक्साई जे मोड जब हम करते हैं, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। यही हमने कंडीशन जो है ये डिफाइन की थी अपनी सब स्पेस पे, अपनी स्पेस एल पी पे, तो उसी जो है उसी स्पेस में से हमने एक सबसेट लिया है एम
और उस m में से एक पॉइंट लिया है ये वाला, और ये भी तो स्पेस की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये जो हमारे पास थी ना इसकी लिमिट थी j=1 to infinity, इसे हमने n पे ब्रेक कर दिया। यानी पहले हम 1 से n तक जा रहे हैं, फिर हम n प्लस 1 से आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। बाकी जो कंडीशन है वो हमारे पास सेम है, जब हम इनको समेशन करेंगे तो वो लेस देन इन्फिनिटी ही होगा, यानी कि कन्वर्ज करेगा। और इसका ये भी है कि जब भी हम मतलब दो सीक्वेंसेस को ऐड करेंगे तो हम ये हमारे पास ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, यानी जो सम होगा वो ऑलवेज फाइनाइट होगा। ठीक है, फाइनाइट कब होगा, जब ये हमारे पास जो टर्म है ये बहुत छोटी हो जाएगी। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हमारे पास एक एन नंबर जो है वो हमें मिलेगा, जो कि डिपेंड करेगा उस एप्सिलॉन पे। जैसे जैसे हम एप्सिलॉन चेंज करते जाएंगे तो ये एन की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती जाएगी। और किस तरह से है जो सेटिस्फाई करा है इस कंडीशन को, ये देखिए ना हमारे पास सम में क्या था, जब हमने ब्रेक किया एन से एन प्लस वन से इन्फिनिटी तक जब जा रहे थे तो वो लेस देन एप्सिलॉन था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन पावर पी ओवर टू। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि अभी हम एप्सिलॉन कर रहे थे, अभी एप्सिलॉन पावर पी ओवर टू आ गया। ठीक है, ये हमने खुद से चूज किया, एप्सिलॉन भी हमने खुद से चूज किया था ना, तो ये कंडीशन में हम खुद से चूज कर रहे हैं। ये देखिए कि जब भी हम इस मिशन को ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है छोटी से छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो डेंस होते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स सीक्वेंस की बात करें तो किस फॉर्म में है, एक्साई वन एक्साई जे की हम बात करें, ये हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस है। तो किस तरह से है, एक्साई वन एक्साई टू एंड सो ऑन एक्साई एन एंड देन एक्साई एन प्लस वन एंड सो ऑन। अब हमने जो एक हमारा सबसेट लिया हुआ है एम लिया हुआ है, उसका एक एलिमेंट लिया है वाई, वो किस फॉर्म में है, ईटा वन ईटा टू एंड सो ऑन अप टू ईटा एन एंड देन जीरो जीरो जीरो, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब हमने जो कंडीशन की, हमने जो मेट्रिक डिफाइन की वो किस तरह से है, एक्साई जे माइनस ईटा जे, ठीक है, मोर इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने कहा था, हमने मेट्रिक इस पर डिफाइन की थी, फंक्शन जब हम डिफाइन करें यहाँ पे किस तरह से, एक्साई जे माइनस ईटा जे मोर इज लेस देन एप्सिलॉन पावर पी ओवर टू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अब हम जो नंबर हमने चूज किया है वो हमने किस तरह से रैशनल नंबर्स है ना, हमारे पास ईटा वन ईटा टू ईटा एन, ये हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि एक्साई जे माइनस ईटा जे पावर पी जब करेंगे मोड लेस देन होगा एप्सिलॉन पावर पी ओवर टू के। अब हमने जो मेट्रिक डिफाइन की थी वो किस तरह से की थी, डी एक्स वाई इक्वल टू ये चीज और होल पावर थी वन ओवर पी, उस वन ओवर पी को हमने क्या किया है, खत्म करके यहाँ पे पी पावर कर दी है। ठीक है, उसे बैलेंस किया। ओके, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास चीज है, और हमने देखा था कि जब हमने एन पे ब्रेक किया तो क्या आ रहा था कि एन प्लस वन से आप इन्फिनिटी पे जा रहे थे, हमारे पास सेकंड सीक्वेंस आ रहा था, जस्ट हमारे पास जो है लिमिट चेंज हो रही थी इस समीशन की। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमने अभी अभी तो देखा कि ये चीज जो है ये लेस देन है एप्सिलॉन पावर पी बाई टू के, और ये चीज जो है ये भी एप्सिलॉन पावर पी बाई टू के लेस देन है। देन हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट पावर है ना डी एक्स वाई होल पावर पी, ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस है मेट्रिक फंक्शन है, ये लेस देन एप्सिलॉन पी है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए हमने यही तो प्रूव करना था कि जो दो पॉइंट हम ले रहे हैं एक्स और वाई ले रहे हैं ये बहुत ही करीब है एक दूसरे के लिमिटिंग पॉइंट है। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो हमने लिया था ना फंक्शन डिफाइन किया था, तो ये हमारे पास जो है इसके एक दूसरे का लिमिट पॉइंट है। जब हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट आ गया है तो इसका मतलब ये डेंस है, क्योंकि हमारे पास वो स्पेस खुद ही आ रही है आपने से लिमिटिंग पॉइंट या इसके क्लियर के बाद, क्लियर जो है उसी स्पेस के इक्वल आ रहा है। तो अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या चीज था कि हमारे पास जो थी एलपीएक्स स्पेस थी उसका हमने एक सबसेट लिया एम लिया, ठीक है, फिर उसके हमने दो पॉइंट्स लिए और उन दोनों पॉइंट्स के एक दूसरे का लिमिटिंग पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो एम है वो डेंस हो गया है इन एलपी। अब एलपी का हमने जो सबसेट एम लिया है काउंटेबल तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, और अब ये डेंस भी प्रूव हो गया, दोनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब है कि जो एलपी स्पेस है ये सेपरेबल है। ठीक है, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी, इसे आप अच्छे से लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हमने 22 टॉपिक्स तक किए हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।